खरगोन जिला मुख्यालय सहित पूरे जिले में 2 सितंबर से गणेश स्थापना की जाएगी। इसके ठीक पहले जिला कलेक्टर के निर्देश पर नगरपालिका अमले ने बाजार में उपलब्ध प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को शहर के अनाज मंडी प्रांगण और श्रीकृष्ण टॉकीज चौराहे पर से जब्त की गई। नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश चित्ते ने बताया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों पर प्रतिबंध है, जो भी इसे बेचता पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं कलेक्टर गोपाल चंद्र डाट ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए जिलावासियों से आग्रह किया है कि सिर्फ मिट्टी से बने गणेश जी की ही स्थापना करें, ताकि होने वाली ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सके। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। ऊपर के शासन के प्रदूषण मंडल के तो आदेश है कि इस प्रकार की मूर्तियां नहीं बेची जाए, न ही इनका कोई नदी में या तालाब में विसर्जन किया जाए। उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। जो भी इस प्रकार की पीओपी की मूर्ति बेचते पाएगा उसको पहले समझाइश दी गई, हटाई गई, और नहीं हटाएगा तो उसको विधिवत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हमने धारा 144 में पीओपी की मूर्तियां पर पाबंदी लगाई है कि कोई पीओपी की मूर्ति ना बेचे। मुझे अभी सूचना ये दी गई है कि कुछ पीओपी की मूर्तियाँ व्यापारी बेच रहे हैं। मैंने नगर पालिका टीम को निर्देश दिया है कि वो तत्काल सभी को जब्त कर ले और पीओपी की मूर्ति ना बिकने दे। ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के स्पष्ट आदेश है और इसको नहीं बिकने देंगे। सर, हम देखें तो मुख्यालय पर एक छोटी सी कार्रवाई हुई, देखें तो आज भी बड़े पैमाने पर, हम बात करें खरगोन की, बात करें मंडोसर की, धरगांव की, बड़े पैमाने पर पीओपी की मूर्ति बन रही, लेकिन उन जगह पर कार्रवाई कभी नजर नहीं आती। आज एक जो गरीब वर्ग है उस पर कार्रवाई हुई, कहने का एक भेदभाव नजर आ रहा है। सर नहीं, मुझे जहाँ जहाँ सूचनाएँ मिल रही मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप मुझे सूचना दें, हमारी पूरे जिले में सब जगह कार्रवाई होगी, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता। आप जब भी कभी मंडल से जाते हो, जो संस्कृति मंत्री है उनके घर से चंद मीटर दूरी पर आपको बड़ी संख्या में पीओपी के टैंक मिल जाएगी, मूर्ति बनी हुई। मैं अभी मैसेज कर रहा हूँ, धरगांव और नांदर में मिलती है पीओपी की मूर्ति नहीं बिकना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।